मध्य प्रदेश विधानसभा की 3 दशक पुरानी परंपरा आज टूट गई। उपाध्यक्ष पद का सत्ता पक्ष के खाते में चला गया है। विपक्ष के भारी हंगामे और आपत्ति के बीच कांग्रेस की हिना कांवरे उपाध्यक्ष चुन ली गई। हिना कांवरे से बातचीत की हमारे संवाददाता सुधीर दंडूतिया ने। मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष हिना कांवरे हमारे साथ में, और आज जिस तरीके से निर्वाचन हुआ लगता नहीं कि बेहतर होता कि कम से कम अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया तो एक तरफा मामला कर जाता पूरा और विवाद की स्थिति न बनती तो ज्यादा बेहतर होता। निश्चित ज्यादा बेहतर होता, परंतु अध्यक्ष के चयन के समय ही ये बातें स्पष्ट हो गई थी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आदरणीय कमलनाथ जी ने इस बात को पहले ही कहा था कि हम नहीं चाहते कि उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस के पास रहे, हम चाहते हैं वो प्रतिपक्ष के पास रहे। पर ये तब संभव था जब सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चयन होता और उपाध्यक्ष प्रतिपक्ष के पास जाता, परंतु जो माहौल जो स्थिति निर्मित हुई वो वाकई में मतलब मैं ज़रूर उपाध्यक्ष बनी, पर थोड़ा बहुत दुख तो मुझे भी हो रहा है कि अगर सबकी सहमति से होता तो ज़्यादा बेटर होता। दूसरा बात करें, निर्वाचन को असंवैधानिक बता रही है बीजेपी और कहना है कि राष्ट्रपति के पास जाएंगे, समय मांगा है। अकेले आपके निर्वाचन को लेकर नहीं, अध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर भी कहीं ना कहीं चुनौती देने वाले हैं। देखिए, अभी उनके पास सारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। जो भी चुनाव हुआ है वो पूरी नियम और प्रक्रिया के तहत हुआ है और हमारे अध्यक्ष आदरणीय प्रजापति जी, उन्होंने उपाध्यक्ष का चुनाव भी पूरी नियम और प्रक्रिया के साथ किया है, इसलिए वो जहां चाहे उसको चैलेंज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से संभवतः शायद मध्य प्रदेश विधानसभा इतिहास में सबसे कम उम्र की उपाध्यक्ष आप रही होंगी। एक बड़ी चुनौती, बड़ी जिम्मेदारी। निश्चित बड़ी चुनौती है और बड़ी जवाबदारी भी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि जो जिन लोगों का सदन के अंदर जो उपस्थित हैं वो सब जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और सबका उद्देश्य केवल और केवल यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जनता का की भलाई कर सके, उनके लिए काम कर सके, विकास कर सके। इसलिए जब सबकी सोच एक होती है तो फिर सारे रास्ते निकल आते हैं। क्या आगे मन में सोच कर रखा है, क्योंकि एक बड़ा चुनौती रहेगी, 109 का विपक्ष, 121 का सत्ता पक्ष, लगभग जो हंगामा भी देखने को मिले, ये तो शुरुआत है, अभी 5 साल निकालने पूरे। देखिए, 5 साल निकालने ज़रूर है, लेकिन मैंने कहा कि सब लोग एक ही सोच के साथ यहाँ आए हैं और मेरा ये काम रहेगा, मेरी ये जवाबदारी जो मैं खुद महसूस करती हूँ कि जितने हमारे उपाध्यक्ष रहे हैं उन सबको को मैं पिछले 5 साल से मैं आदरणीय राजेंद्र सिंह जी को देखते आई हूँ और सब लोग बहुत अच्छे माहौल में सारा काम करते हैं, इसलिए मैं भी मेरे तरफ से भी ये कोशिश रहेगी कि मैं भी एक अच्छा वातावरण निर्मित करके रखूँ और कभी भी ऐसा अवसर ना आए विपक्ष के प्रतिपक्ष के दौरान कि कोई ऐसी बात हो। मैं पूरी निष्ठा के साथ और संविधान की किताब तो मुझे अब लगता है कि पूरा एकदम सामने और दिमाग में हमेशा और अच्छी भावनाओं के साथ मैं काम करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हिना कांवरे, निष्ठा के साथ में काम करेंगी। निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर जिस तरीके से माहौल बना उसको लेकर उन्होंने जरूर कहा कि एक पीड़ा जरूर हुई है। बीजेपी जहाँ तक चुनौती की बात कर रही है, सारे दरवाजे खुले हैं बीजेपी के लिए, ये भी उनका मानना है। कैमरामैन अजय मालवीय के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल।